हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं जेके टीईटी 2023 के बारे में। जेके टीईटी का फुल फॉर्म है जम्मू एंड कश्मीर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक स्टेट लेवल का एग्जाम है। जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के थ्रू एग्जाम कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में रिलीज होता है। एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में कंडक्ट पेन पेपर बेस्ड से आपका एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया जाता है। दो पेपर्स रहते हैं, पेपर वन उन एप्लीकेंट के लिए जिन्हें एज अ टीचर रिक्रूटर फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ, और पेपर टू उन एप्लीकेंट्स के लिए जिन्हें एज अ टीचर रिक्रूटर फॉर क्लास सिक्स टू एट। दोनों क्लासेस का अप्लाई करना है तो दोनों पेपर के लिए आप लोगों को जो अप्लाई करना होगा, दैट मीन्स इस एग्जाम के थ्रू आप लोग एज अ टीचर अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में जाना शुरू करते हैं। लाइक अगर डेट्स की बात करें तो अभी तक यहाँ पे जो ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू आप लोगों की डेट्स अनाउंस नहीं की गई है। जैसे एग्जाम की डेट्स, एप्लीकेशन इवेंट की डेट्स यहाँ पर रिलीज की जाएगी, हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे एंड उस वीडियो में आप लोगों को जो है हर एक इवेंट की डेट्स जो एक्सप्लेन करके बता दी जाएगी। नेक्स्ट अब बात करेंगे गाइस यहाँ पे आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते हैं तो आप लोगों का एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, मे बी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो। क्या करना होगा कि एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट ना हो वो भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले ये देखते हैं कि एक्चुअल में एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो क्या है और क्यों एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। जो स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, उन्हें कोई आइडिया नहीं किस तरह से एप्लीकेशन फिल करना है, क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट किस तरह से स्कैन करके अपलोड करना है, जस्ट किसी भी तरह से एप्लीकेशन फिल करने की कोशिश करते हैं, रिजेक्शन फेस करने पड़ता है। तो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, क्योंकि जैसे आप लोगों का यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। फ्रॉम स्टेप वन आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आपको पे करके बताया जाएगा। तो मेक श्योर कर लीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल कास्ट के लिए 800 रुपीज रहेगी, रिजर्व कास्ट के लिए गाइस यहाँ पे 400 रहेगी, और ओबीसी के लिए यहाँ पे 500 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगी। अब आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो सबसे पहले पेपर यानी कि क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए आप यहाँ पे 12 पास आउट रहनी चाहिए विद मिनिमम 50%। देन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन क्या हो रहना चाहिए, या फिर आप फाइनल ईयर में रहनी चाहिए उसके लिए, तो आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। या तो फिर 12 विद मिनिमम 50% पास आउट रहनी चाहिए एंड यहाँ पे आपने क्या हो रहना चाहिए, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन विथ मिनिमम 50% तो आप एलिजिबल रहेंगे, या फिर फाइनली अप्लाई कर रहेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए तो भी एलिजिबल रहेंगे। अब क्लास 6 टू 8 की बात की जाए पेपर 2 की, तो आप लोग यहाँ पे बीएससी या बीकॉम या बीए पास आउट रहनी चाहिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो गाइस आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है, और साथ ही आपके पास बैचलर्स डिग्री रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, तो गाइस यहाँ पे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन, जो भी ऑप्शन सही लगे वो एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। पेपर कंप्लीट करने के लिए 2.5 आवर का ड्यूरेशन दिया जाएगा, हर एक सही आंसर के लिए एक मार्क्स मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर वन भी आपका यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछेंगे फॉर 150 मार्क्स, और पेपर टू में भी सेम 150 क्वेश्चन फॉर 150 मार्क्स। अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस की, तो गाइस आप लोगों का जो सिलेबस यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस पता रहेगा तभी आप इसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो सिलेबस काफी वास्ट है, यहाँ तो डिटेल सिलेबस डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन गाइस आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है उस लिंक पे क्लिक करके वहां से आप लोग कंप्लीट सिलेबस डायरेक्टली जो अपना चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे एडमिट कार्ड की, तो गाइस आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है काफी ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड एग्जाम देना तो दूर की बात है, इवन आपको एग्जाम सेंटर में भी नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि एडमिट कार्ड रिलीज होता है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को कैंडिडेट्स को पता ही नहीं चल पाता एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते। एडमिट कार्ड में आपकी बेसिक सी डिटेल्स रहती है लाइक फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सब्जेक्ट्स, टाइमिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस। बट यहाँ पे गाइस अब क्या करना होगा कि आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम ना हो, सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जैसे आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज होगा हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आपको लाइव एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताया जाएगा, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका रहेगा। एंड सेम मैसेज फॉर आंसर की रिजल्ट काउंसलिंग हर एक इवेंट आप लोगों को लाइव परफॉर्म करके बताया जाएगा। सो गाइस नाउ आई होप कि अभी आप लोगों को कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं होगी जम्मू एंड कश्मीर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के रिगार्डिंग। इनके डाउट आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।